हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्लो एडिट। आज करें हम कुछ इस टाइप के अमेजिंग फोटो एडिटिंग। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। स्नैपशीट ओपन करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपली हमें इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। हमारी बैकग्राउंड ऐड हो चुकी है, तो सिंपली इस पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, स्क्रोल डाउन करके डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देंगे और ऐड इमेज पे क्लिक के और इमेज को ऐड कर लेंगे और उस अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और उसकी ओपेसिटी को 100% कर लेंगे और यहाँ से हम लोग डन कर लेंगे। एडिट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, व्यू एडिट पे क्लिक करके डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देंगे, मिडिल वाले ब्रश आइकन पे क्लिक करके साइड में जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड को डबल एक्सपोजर को 0% करके बैकग्राउंड को अच्छे से कलर कर लेंगे। गाइस थोड़ा फास्ट करेंगे जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो। अच्छे से होने के बाद यहाँ से हम लोग डन कर लेंगे, बैक चले जाएंगे। गाइस अगेन पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर देंगे, न्यूट्रल पे रख के यहाँ से डन कर लेंगे। अगेन एडिट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, व्यू एडिट पे क्लिक करके ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करेंगे, मिडिल वाले ब्रश आइकन पे क्लिक करके ब्लैक एंड व्हाइट को 0% पे कर लेंगे और टी शर्ट को कलर कर लेंगे। गाइस फास्ट करेंगे जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो। गाइस होने के बाद यहाँ से भी हम लोग डन कर लेंगे, बैक चले जाएंगे, अगेन पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके ट्यून इमेज पे क्लिक कर देंगे और सैचुरेशन को 50% कर लेंगे और यहाँ से हम लोग डन कर लेंगे। एडिट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, व्यू एडिट पे क्लिक करके ट्यून इमेज पे क्लिक कर लेंगे और मिडिल वाले ब्रश आइकन पे क्लिक करके ट्यून इमेज को 0% पे रख लेंगे और फेस पे जो लाइट है उसे अच्छे से इरेज कर लेंगे। अच्छे से होने के बाद यहाँ से हम लोग डन कर लेंगे, बैक चले जाएंगे। वैसे आप लोग देख सकते बिफोर एंड आफ्टर हमारी इमेज कैसी एडिट हुई है। तो सेव वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और फोटो को सेव कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।